तो जैसे कि मैं बता दूं, सम्राट चौधरी का हरी झंडी और राज्य में 30,547 नए पद मंजूर, जल्द होगी बहाली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में। और आप लोग को मैं बता दूं, जैसे ही बिहार में सरकार की बदलाव हुआ, उसको देखते हुए मैं बता दूं, कई विभागों में आपको 35,547 नए पदों का सृजन, सबसे अधिक शिक्षा विभाग में 25,386 पद पर आप लोगों को विज्ञापन दिया गया है और यह भर्ती दिया गया है। और मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे कि जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए, विभाग की प्रशासी पदवग समिति के द्वारा आपको 30,547 पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार इन पदों का सृजन किया गया है। इसमें सबसे अधिक 25,386 पद शिक्षा विभाग में संबंधित शिक्षा विभाग के अंतर्गत, और आप लोग को मैं बता दूं, पहली से पांचवी कक्षा के लिए विद्यालय अध्यापक में 11,039 पद, छठी से आठवीं कक्षा विद्यालय अध्यापक और श्रम संसाधन विभाग में आप लोगों को यहाँ पे 737 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और आप लोग को मैं बता दूं, पीएचडी में कार्य निरीक्षक आप लोगों को 1,114 पद, और श्रम संसाधन विभाग के लिए ये बड़ी बहुत बड़ा मौका है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ध्यान से देखिए, इनमें हुआ आप लोगों का सृजन। सृजन में आप लोगों को मैं बता दूं, शिक्षा विभाग की सृजित पद शिक्षा में 25,386, विज्ञान प्रौद्योगिकी की में 2,338, श्रम संसाधन में 737 और पीएचईडी में आपको 1,114 और पंचायती राज में 349, गृह विभाग में 333, पिछड़ा अति पिछड़ा में आपको 91, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण में 23 और पशु एवं मत्स्य संसाधन में 18 और मंत्रिमंडल में सचिवालय में 4 और पथ निर्माण विभाग में 1। और इसी प्रकार से आप लोग को मैं बता दूं, 30,547 नए पद का यहाँ पे आप लोगों के बीच एक वैकेंसी का सुनहरा अवसर दिया है। आप लोग दोस्तों, मौका आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में है, मौका आप ना गमाए, मौका आपके हाथ में है, मौका ना गमाए। इस वैकेंसी को जरूर आप लोग देखें। बिहार का जो कहा जाए उप मुख्यमंत्री, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सम्राट चौधरी का ये सबसे बड़ा निर्णय है और ये सबसे बड़ा फैसला है। और सरकार बदलते ही आप लोग को मैं बता दूँ, 30,547 पदों का ये नई भर्ती है। तो आप लोग जल्द से जल्द आवेदन करना प्रारंभ कर दे। और इसका विशेष संक्षिप्त में एक छोटा पेपर कटिंग और आप लोग देख लीजिए कि आगे इस पेपर कटिंग में क्या कहा जाए। जैसे कि मैं बता दूँ, सम्राट चौधरी का हरी झंडी और राज्य में 30,547 नए पद मंजूर, जल्द होगी बहाली। तो आप लोग देर ना करे, तैयारी करे, देर ना करे, तैयारी करे। और 37,547 पदों का जो इंतजार था वह खत्म हुआ और जल्द से आप लोग आवेदन करना प्रारंभ करें। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो अपडेट है यहाँ पे, अपडेट आप लोग देख लीजिए, कुछ पर होगी सीधी नियुक्ति, कुछ प्रति से भरे जाएंगे। और आप लोग को मैं बता दूं, राज्य सरकार ने 30,547 नए पद के सृजन किया है। वित्त विभाग में पद वर्ग समिति ने इन नए पदों को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर उन्होंने हरी झंडी दिए जाने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कहाँ कितने पद मंजूरी मिली है। आप लोग चाहते हैं बिहार में इन तरह के वैकेंसी, इन तरह के पद आए और जल्द से जल्द आप तक सीधा नोटिफिकेशन पहुंचे, तो आप एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिहार के उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी का ये पहला वैकेंसी है जो आपको बिहार सरकार के साथ मिलकर 30,547 वैकेंसी को आप लोग को हरी झंडी दिखा दिया है। आवेदन कब से शुरू होगा, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो को देखकर फॉलो कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए
और मेरे वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।